Assalamualaikum everyone. आज जो है मैं आप लोग को लेके जाने वाली हूँ हांगकांग पार्क, और ये पार्क जो है एडमिरल्टी स्टेशन है, उसी के करीब है. तो हम लोग पहले जिमशा चुई से ट्रेन से एडमिरल्टी आए हैं, और यहाँ से मैं आपको आगे पार्क लेकर जाऊँगी. इस पार्ट का जो रास्ता है वो इस मॉल से निकल के आता है, और काफ़ी खूबसूरत सा मॉल है. ये देखें, यहाँ पे डिफरेंट ब्रांड्स हैं. वो रहा सामने नाइकी, वो रहा ज़ारास, देखें हांगकांग की एक अच्छी बात यह है कि यहाँ के हर डिस्ट्रिक्ट में एक इन्होंने पार्क दिया होता है जिसके अंदर स्पोर्ट्स और फिटनेस सेंटर होते हैं, ताकि जो जनरल पब्लिक है वो आके बहुत ही चीपर रेट्स में उनको अवेल करे फैसिलिटीज़ को, और ये इस तरीके से ये फिटनेस को प्रमोट करते हैं, तभी यहाँ के लोग बहुत पतले पतले और फिट होते हैं अनलाइक अस. और जो है मैं आपको बस यहाँ पर लेके जाऊँगी, सो कीप वॉचिंग. मेरे पीछे पार्क की एंट्रेंस है, और यहाँ मैं बैठी हुई हूँ. अभी हम लोग अंदर जाते हैं इस पार्क. तो हम आ चुके हैं हांगकांग पार्क में, और यहाँ से विक्टोरिया पीक का रास्ता भी जाता है. इधर देखें, ऊपर स्टेयर्स जा रहे हैं, और डिफरेंट जगह पे इस तरह से यहाँ स्टेयर्स हैं जो कि ऊपर जाती हैं पीक पे. और लेकिन हम लोग ने आज पीक पे नहीं जाना, हम लोग ने आपको पार्क दिखाना है. देखें यहाँ पर कितने प्यारे से ये लीव्स जैसे लग फ्लावर रहे हैं, लेकिन ये लीव्स जैसे. और इस प्लांट का नाम है एल्यूमिनियम प्लांट. तो ये अभी पार्क का मैप है. हम लोग एडमिरल्टी से आए हैं, और पार्क में एंटर होते साथ ही ये फाउंटेन था जो कि बंद है, और ये फिर आ जाता है क्लॉक टावर. ये 20 मीटर्स टॉल है, एंड इट इज़ इजी टू यूज़ एज अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस व्हेन वॉकिंग अराउंड दिस सेक्शन ऑफ द पार्क. तो ये देखें आप, ये रहा टावर. इसके अलावा यहाँ पे आर्टिफिशियल लेक है, इधर फिश और टर्टल्स काफ़ी सारे मिलते हैं इसके अंदर. और फिर उसके अलावा बच्चों का अलग से बड़ा प्यारा प्लेग्राउंड था, आर्ट सेंटर है, स्पोर्ट्स सेंटर्स हैं यहाँ पे, स्क्वाश का अलग से सेंटर बना हुआ है. और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, यहाँ पे ये कॉटन ट्री ड्राइव मैरिज रजिस्ट्री है. तो यहाँ पर जो कपल्स अपनी मैरिज की रजिस्ट्री के लिए आते हैं, फिर यहाँ पर फ़ोटोशूट कराते हैं. और ये म्यूज़ियम ऑफ टी वेयर भी है यहाँ पे, इसको भी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी किस तरह का था ये, मुझे बहुत अच्छा लगा. और ये एक बोटानिकल गार्डन है. हम यहाँ पे नहीं जा सके क्योंकि जो ट्रैम से जाते हैं यहाँ पे, और ये रास्ता आजकल बंद हुआ है मेंटेनेंस के चक्कर में. तो दिस इज़ इट अबाउट द मैप, और चल के देखते हैं अपनी वीडियो को आगे डिटेल में. एक ब्राइड जा रही है इधर, और ये पीछे यहाँ पर है म्यूज़ियम ऑफ टी वेयर. तो हम लोग इधर जाने वाले हैं, ये देखें. वॉक करते हुए आए हैं, तो रास्ते में हमने एक क्लॉक टावर देखा था, उससे पहले एक फाउंटेन था, वो फाउंटेन बंद हुआ है. और अब वहीं से सीधी मैं वॉक करती हुई आई हूँ, और यहाँ पे देखें ये लेक की जगह पे आ गई. पानी में मछलियाँ भी हैं, बल्कि इतने बड़े बड़े मछले हैं पूरे. बहुत बड़ी मछलियाँ नहीं चल रही. नाइस, किसी को नजर आ रही है इतनी बड़ी मछली? बड़ी प्यारी किस्म की लेक है. काफ़ी बड़ी सी लेक है, और मुझे ये फिशेस को देख के बड़ी खुशी हो रही है.
तो गाइस आपको वीडियो में ये क्लिप दिखाने का मकसद ये है कि यहाँ पे ये एक रैंडम क्यारी है, लेकिन इसके अंदर आप देखें कि हर प्लांट एक दूसरे से डिफरेंट है। इसके आप पैटर्न चेक करें लीव्स के ऊपर, और इसकी यही यूनिक बात है कि एक जगह में तकरीबन 100 डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स इन्होंने ग्रो किए हैं, और बहुत ही खूबसूरत साइट है फॉर स्पेशली फॉर दोज पीपल जिनको यू नो नेचर में और प्लांट्स में स्पेशली इंटरेस्ट रखते हैं, तो ये उनको बात बड़ी फैसिनेट करेगी दिखने में भी। ये देखिए इसकी एंट्री पे ये बड़ा सारा टी पॉट बनाया हुआ है, तो प्यारा लग रहा है। और ये देखते हैं, तो ये जगह पे अभी मैं आपको लेकर आई हूँ, इसको कहते हैं फ्लैगस्टाफ हाउस म्यूजियम ऑफ टी वेयर, और ये यहाँ पब्लिक के लिए है, उनको बताने के लिए अबाउट चाइनीज टी ड्रिंकिंग कल्चर जो तकरीबन 1000 साल से चलता आ रहा है। और ये जो जगह है जहाँ पे अभी मैं खड़ी हुई हूँ, ये यहाँ पे 1846 में कोई मेजर जनरल था ब्रिटिश का, वो यहाँ पे रहता था, और 1984 में इसको जो है इन्होंने म्यूज़ियम ऑफ टीवेयर में कन्वर्ट कर दिया। और यहाँ पे जो चाइनीज़ का तरीका है चाय बनाने का, उसे कहते हैं गोंग फू चा, और इस वर्ड का लिटरल मीनिंग है मेकिंग टी विथ स्किल्स। तो बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है कि किस तरीके से जो है चाय बनाई जाती थी, उसको सर्व कैसे किया जाता था, और किस तरीके से वो चाय पीते थे, उसका एक एक सिप को अप्रिशिएट करके, जो कि उनको रिलैक्स करता था। एक और मज़े की बात ये है कि इनकी जो चाय की ट्रे होती है उस पर एक टी पैट ये लोग रखते थे, और अभी भी रखते हैं जो लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं। यूजुअली वो एक एनिमल होता है जो कि या तो वो लॉयन होता है या आउल होता है मोस्ट कॉमनली, और ये गुड लक और वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे आप ये देखें डिफरेंट बर्तन हैं, कुछ सिरेमिक के हैं, कुछ क्ले के हैं, और ये जो है इसके बारे में पूरी डिटेल्स हैं, तो जिनको चाय में इंटरेस्ट है उनको पता होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें ओरिजिनेट कहाँ से करती हैं। आई होप यू लाइक इट। ये तो अच्छे खासे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के टी पॉट्स हैं, मुझे नहीं अंदाज़ा था कि ये टी के इतने शौकीन होंगे। सो गाइस इस जगह की कोई एंट्री फी नहीं है, और ये शाम 6 बजे तक खुली होती है, और बस इट्स टाइम टू गो बैक, अभी हम वापस जाने वाले हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही, हम लोग पार्क से वापस आ गए हैं, इस वक्त शाम हो रही है और हम लोग घर जाने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें इसको और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग महामिल प्रदेश, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।